मैकेनिक भाइयों, ये है होंडा SP125 BS6। और आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर इसके फ्रंट साइड देखें तो एक LED हेडलैम्प का पूरा सेटअप है। चाहे आप हाई बीम देखें, लो बीम देखें, कंप्लीट जो इसके अंदर LED हेडलैम्प लगा हुआ है। आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को बताएंगे कि अगर ये हेडलाइट ना जले तो क्या ऐसा चीज़ चेक करना चाहिए आपको, और इसके सल्यूशन को आप कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हैलोजन का सभी मैकेनिक भाइयों को पता है कि हैलोजन के अंदर मैग्नेट कॉइल चेक करना पड़ता है, RR यूनिट चेक करना पड़ता है और उसके वायरिंग कनेक्शन को चेक करना पड़ता है। बट आपको बताते चलें, इस LED सेटअप को कम्प्लीटली वर्क करने के लिए DC सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी बैटरी, फ्यूज बॉक्स, वायरिंग हार्नेस, इसके स्विच, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाते चलूँ कि इसके जैसे मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ, ये देखिए मैंने इसके इग्निशन को ऑन कर दिया, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, न्यूट्रल और इसके स्पीडोमीटर। बट मैं इसके यहाँ पे पास वाले स्विच को भी प्रेस करूँ या हाई बीम की ओर इसको ले जाऊँ, लो बीम की ओर ले आऊँ, फिर भी इस गाड़ी का हेडलाइट नहीं जल रहा है। तो आपके भी गैराज में काफ़ी सारे ऐसी गाड़ियाँ पहुँच सकती है LED सेटअप वाली, क्योंकि आपने देखा होगा अभी BS6 की जितने भी ऑलमोस्ट बाइक या स्कूटर है उसके अंदर LED सेटअप कम्प्लीट आपको देखने को मिलेगा। तो से चेक किया जाता है, क्या है टेस्टिंग का सटीक प्रोसेस, सारी डिटेल बताएंगे। याद रखें, मोस्ट पॉपुलर SP है, गैराज में जरूर से जरूर पहुंचेगी। तो वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, वीडियो को हर छोटे से बड़े सभी मैकेनिक भाइयों को शेयर कर दीजिए और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिए, ताकि सभी मैकेनिक भाइयों को अच्छे से पता चल सके कि BS6 की LED हेडलाइट वाली गाड़ियों में अगर प्रॉब्लम आए तो कैसे सल्यूशन निकाला जाता है। यहाँ से इसका मेन टेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस सारे गाड़ियों में DC सप्लाई इम्पोर्टेंट होता है LED हेडलैम्प को वर्क करने के लिए। अगर यही हैलोजन हेडलैम्प को हम चेक करते तो शुरू करते कहाँ से, मैग्नेट साइड से, कि वहाँ से स्पार्क आ रहा है या नहीं। बट अभी क्या है कि DC सप्लाई से वर्क हो रहा है इसका LED हेडलैम्प, तो हम इसके कम्प्लीट DC चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसके बैटरी को कि बैटरी हमारी गाड़ी का 12V प्लस चार्ज है या नहीं। बट आप समझ सकते हैं यह एक तरह से बेवकूफ़ी है, क्योंकि डिजिटल स्पीडोमीटर परफेक्ट तरीके से काम कर रहा, उसके बावजूद भी हम इसके बैटरी को चेक करेंगे। तो देखें, बैटरी हमारी गाड़ी की एकदम फुल्ली चार्ज है, आप खुद देख सकते हैं, यानी बैटरी से इस गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और स्पीडोमीटर भी गाड़ी का परफेक्ट काम कर रहा है। अब इसके दूसरे स्टेप में आता है इसका फ्यूज बॉक्स। अब इतने सारे में से आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्यूज इसका इसके हेडलाइट के लिए काम करता है? तो इसके इस कवर में देखें तो यहाँ पे इसके सारे डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं। फर्स्ट में मीटर है, दूसरा ECU, और तीसरे नंबर पे इस गाड़ी का हेडलैम्प असेंबली का फ्यूज ऐड किया गया है। तो हमें सबसे पहले इस वाले फ्यूज को ओपन करना पड़ेगा, 1, 2, 3। तो इस तीसरे नंबर वाले फ्यूज को हम ओपन करेंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे। मैं एक मेथड बता रहा हूँ चेक करने का, कि जब भी हेडलाइट ना जले तो ये एक स्टेप होना चाहिए चेक करने का। अब इस वाले फ्यूज को हमें निकाल लेना है। अब जैसे इस फ्यूज को निकालेंगे, फिर इससे ये देखना है कि बीच में जो लगा एक वायर होता है यहाँ पे, ये कटा नहीं होना चाहिए। अगर हेडलाइट नहीं जलता है तो फ्यूज को आप ज़रूर से ज़रूर चेक करें। हेडलाइट का फ्यूज हमारी गाड़ी का एकदम परफेक्ट है। चलिए मैं इसे लगा लेता हूँ, मैंने इसे परफेक्ट तरीके से लगा दिया है। अब इसके हम हेडलाइट की ओर जाएंगे कि हेडलाइट के कपलर कनेक्शन में 12V का सप्लाई पहुँच रहा है या नहीं। बट उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इसके मैग्नेट साइड से लाइटिंग का, चार्जिंग का जो कम्प्लीट कनेक्शन है वो सही है या नहीं, यानी किक का उपयोग करने के बाद मैग्नेट से करंट जो है जनरेट हो रहा है कि नहीं। पहले उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हेडलाइट की ओर जाएंगे। मैग्नेट साइड से जो हमारा AC करंट आता है वो इन सॉकेट में आता है। ये तो इसके आउटपुट हैं, ये इसका DC सप्लाई है। AC करंट इसके ACG स्टार्टर से इस वाले सॉकेट कपलर में आता है। नॉर्मली इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से इसे पुश करेंगे और बैक की ओर खींचेंगे, आसानी से ये निकल आएगा। अब इसके तीनों पिन में हमें जो है इसके AC करंट को चेक करना है कि मैग्नेट साइड से जो AC करंट है वो इसके अंदर आ रहा है या नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं 3-phase कॉइल को कैसे चेक करना है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, सिर्फ हमें करंट चेक करना है लाइटिंग को लेकर। तो चलिए इसके अंदर हैलोजन बल्ब का उपयोग करते हैं और ये देखते हैं कि मैग्नेट साइड से करंट आ रहा है या नहीं।
अब इसके एसी करंट को चेक करने के लिए इस तरह से हम हैलोजन बल्ब का उपयोग करेंगे और सबसे पहले इसके पिन 1 और पिन 2 में हम कनेक्शन लेंगे और ये देखेंगे कि इसके लाइटिंग और चार्जिंग के रिलेटेड जो करंट है वो एसी करंट आ रहा है या नहीं। हमेशा आप हैलोजन बल्ब का ही उपयोग करें मैग्नेट साइड के करंट को चेक करने के लिए। चलिए किक का उपयोग कीजिए, फिर से उपयोग कीजिए। तो देखें जब हम इसके पिन 1 और पिन 2 को टच किए हमारा करंट एकदम सटीक आ रहा है। अब बताया मैंने आपको कि ये 3 फेस है तो इसके टेस्टिंग को थोड़ा यूनिक करना पड़ता है। तो इसके पिन 1 और पिन 2 को टेस्ट किए, अब पिन 2 और पिन 3 को टेस्ट करना पड़ता है। तो चलिए पिन 2 अब पिन 3 में इसको लगाएंगे और फिर से किक का उपयोग करेंगे। देखें इससे ये पता चला कि हमारी गाड़ी में जो है सारे पिन अच्छे से काम कर रहा है। अब फिर पिन 3 से और पिन 1 में लगाएंगे। आप समझ सकते हैं एक इस तरह से साइकिल है, 1 2 फिर 2 3 और फिर 1 और 3। चलिए फिर से किक का उपयोग कीजिए। ये देखें हमारा 3 फेस में से सारे फेस एकदम अच्छे से काम कर रहा है, यानी लाइटिंग का और करंट जो है या चार्जिंग का करंट जो मैग्नेट साइड से उत्पन्न होना चाहिए वो सटीक हो रहा है। मैकेनिक भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक टीवी के ऊपर इस तरह से डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, बट हमारे मैकेनिक भाइयों के पास नहीं पहुंचने की वजह से उनको वीडियो के बारे में जानकारी नहीं होती है और रेगुलर वो सवाल करते हैं इसके लेकर कि LED हेडलैम्प कैसे काम करता है। अब चलिए इसके हेडलाइट साइड ओपन करते हैं और आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि DC वोल्टेज को कौन से ऐसे वायर में चेक करना पड़ता है। इसके हेडलाइट को मैंने अभी ओपन किया है, इसके अंदर 5 पिन का ये ब्लैक कलर का कनेक्टर लगा होता है और यहाँ पे भी इसके हेडलाइट में अगर नज़दीक से दिखा दिया जाए तो इसके अंदर भी आपको 5 ऐसे पिन देखने को मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा वायर किसके लिए वर्क करता है, कौन सा हाई बीम है कौन सा लो बीम है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए जो ज़रूरी होता है वो होता है इसका वायरिंग डायग्राम, जो क्लियरली आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आपको पता होगा कि जब भी मैं कोई भी ऐसा वीडियो मैकेनिक टीवी के या आपके लिए प्रोवाइड करते हैं तो डिटेल में उसका PDF शेयर करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि कौन सा वायर किसके लिए है, फिर भी मैं आपको डिटेल में बताते चलूं तो मेन इसके अंदर सिर्फ 2 इस वायर को आपको खास ध्यान रखना है। बाकी के जो वायर हैं लो बीम के लिए है, हाई बीम के लिए है, पास लाइट के लिए है, और साथ ही साथ जैसे हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो मीटर में जो यहाँ पे हाई बीम का एक सिंबल बन के आता है, मैं आपको लगा के दिखा दूँ हेडलाइट, उसके बाद आपको क्लियरली पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ के लिए जब हम हेडलाइट को ऑन करते हैं तो यहाँ के लिए भी एक वायर वहीं से आता है सिग्नल के तौर पे। अभी कनेक्शन हटा देंगे हेडलाइट का कनेक्शन, वैसे ही लाइट बंद, जैसे कनेक्शन डालेंगे लाइट चालू। तो एक वायर इसके हाई बीम के सिग्नल के लिए भी होता है वहाँ के लिए, तो आप समझ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इन सारे वायरों में से सबसे इम्पोर्टेंट वायर कौन सा है। तो देखें जब भी आपको इसके अंदर हेडलाइट की समस्या आए तो सिर्फ के सिर्फ 2 वायर को चेक करना है, एक है 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई और दूसरा है ग्राउंड। अब कैसे चेक करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब 12 वोल्ट के इनपुट सप्लाई को हम कहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इस जगह पे ब्राउन वाले वायर में। तो इस तरह से मल्टीमीटर के पतला जो प्रोब रहेगा उसे उस ब्राउन वाले वायर में ऐड कर देंगे। ये एकदम लास्ट स्टेप है, अगर यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है उसके बाद भी हेडलाइट काम नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का हेडलाइट जो LED है वो ख़राब हो चुका है। देखें इस ब्राउन वाले वायर में यहाँ पे पतला सा एक टर्मिनल है, इसमें ऐड कर दिए, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर दिए और दूसरा वायर कहीं से ग्राउंड प्रोवाइड कर दिए, पूरे के पूरे 12 वोल्ट इसके अंदर आना शुरू हो गया, यानी यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है, इसके बाद भी हेडलाइट ना जले तो LED हेडलैम्प हमारी गाड़ी का ख़राब हो चुका है। दूसरा एक और स्टेप होता है, बीप मोड पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे और इस वायर को ग्राउंड वाले वायर पे ले लिए, क्योंकि जब भी LED हेडलैम्प काम करेगा उसके लिए ग्राउंड का जो होना ज़रूरी है, ग्राउंड अगर काम नहीं करेगा तो LED हेडलैम्प हमारी गाड़ी का काम नहीं करेगा। अब इसके दूसरे वायर को यहाँ पर लेते हैं, अभी इसके अंदर बीप बज रहा है आप सुन सकते हैं, तो इसका ग्राउंड भी सही है और हमारा इसका हेडलाइट का कनेक्शन भी सही है। पता क्या चला कि हमारी गाड़ी का LED हेडलैम्प ख़राब है।
ये हेडलाइट जो है फॉल्टी है, हो सकता है गिरने की वजह से या जो भी इसका हो सकता है अंदर का मदरबोर्ड वगैरह ख़राब हो गया हो, ये फॉल्टी है। अब टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे इस हेडलाइट को यूज में ला रहा हूँ, एक बाइक से मैंने ओपन किया है। अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट वोल्टेज ऐड करता हूँ और देखता हूँ कि हेडलाइट जलता है या नहीं। ऑन कीजिए, ये देखिए हाई बीम लो बीम पास सारी चीज़ें उपयोग कीजिए। देखिए हाई बीम लो बीम काम कर रहा, पास का उपयोग कीजिए, पास डालिए, पास सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो मैकेनिक भाइयों, आपने देख लिया और समझ भी लिया कि किस तरह से टेस्टिंग का सटीक प्रोसेस उपयोग में लाया जाता है, एलईडी हेडलैम्प को वर्क करने के लिए क्या क्या ऐसे चीज़ों का ज़रूरी होता है, जैसे फ्यूज बॉक्स, बैटरी, वायरिंग, और यहाँ तक अगर 12 वोल्ट आ रहा हो और इसके अर्थ वाला वायर भी सही हो तो समझ लीजिए कि एलईडी हेडलैम्प आपकी गाड़ी का ख़राब हो चुका है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।